हेलो गाइस गाइस वेलकम टू रियल फैक्ट्स एंड कैसे आप सब लो? तो आज तक हम हमारे चैनल में पंच के पॉजिटिव पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होगी बट यार कहीं एक ना कहीं मेरा ही ये ड्यूटी बनती है कि मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको बताऊं कि इस कार में क्या क्या चीजें नेगेटिव है तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा जो मेरे को रियलाइज हुए हैं इस कार में है आई होप uh, आप लोग मेरी बात से रिलेट करोगे और जो लोग ये गाड़ी ओन कर रहे हैं वो भी लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि यार इस गाड़ी में कुछ नेगेटिव्स तो हैं और वही सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बट उससे पहले कोई मत होना। आई लाइक दिस कार मेरे को एक कार चलाते जाते एक साल हो गया है मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कार बट यार जो चीज है वो है कुछ नेगेटिव है तो वो है तो क्या इस बात करें यार कार के एक्सटीरियर लुक की तो कार अगर आप फ्रंट से देखोगे ना तो कार काफ़ी ज्यादा मस्कुलर दिखाई देती है एंड इसका जो डिज़ाइन है ये थोड़ा थोड़ा हैरियर बेस्ड कार है तो फ्रंट लुक इस कार का ज़बरदस्त है बट वही बात की जाए अगर आ, वैसे यार आप मुझे बताओ कि ये ग्राफिक्स आपको कैसा लग रहा है कार पे ये मैंने अभी कराया एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कार में ग्राफिक्स कैसा लग रहा है इसमें हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ कार के रियर प्रोफाइल की तो रियर प्रोफाइल फ्रंट प्रोफाइल की कंपेरिजन में मुझे थोड़ा सा लाइक like, uh, कमी लगती है इसके रियर प्रोफाइल में रियर उतना ज़्यादा बोल्ड नहीं नज़र आता जितना इसका फ्रंट है बट uh, जो डिज़ाइन है वो अलग होता है यार वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है हो सकता है कुछ लोगों को ये एक इशू ना लगे बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको रियर और ज़्यादा अच्छा बन सकता था जिससे ये कार जितनी फ्रंट से प्यारी लगती है उतनी रेयर से भी प्यारी लगे तो ये एक चीज़ मुझे फ़ील होती है इस कार में एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मुझे ओवर द ईयर इसको यूज़ करने पे मुझे फील हुआ एक तो जो क्वालिटी यार ये दे रखी है ये स्टेप्स ना हमेशा टूट जाते हैं हमेशा निकल जाते हैं ये देखो ये हमेशा निकल जाएगा एंड जो क्वालिटी आपको पीछे ट्रे की दे रही है ना वो भी, भी इतनी अप टू द मार्क नहीं है तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था ये क्वालिटी मुझे थोड़ा सा इतना बेटर नहीं लगती इस कार में तो उसके ओवरऑल बाकी कार Uh, का साइड प्रोफाइल से मुझे कोई इशू नहीं है साइड प्रोफाइल बहुत अच्छा है कार का एंड कार साइड प्रोफाइल से काफी अच्छी लगती है अब चलते हैं इसके अंदर और बात करते हैं कुछ इंटीरियर रिलेटेड इशूज की जो मुझे फील हुए इस कार में सो ओके गाइस बात करें इंटीरियर की तो इंटीरियर में uh, जो इश्यूज uh, मुझे फील हुए हैं ओवर द ईयर कार यूज करने में uh, वो है कि इस कार में कई कई -कही जगह पैनल गैप्स आपको दिखते हैं एंड ये मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ थोड़े बहुत इश्यूज हैं इंटीरियर को लेके बट वो जो गैप एक्सटीरियर में ज्यादा है इंटीरियर में कम है मैं अब आपको वैसे लाइट का इशू है आपको दिखाता तो यहाँ पे भी एक पैनल गैप दिख रहा है मुझे तो वो इशू एक्सटीरियर में ज़्यादा है इंटीरियर में कम है बट थोड़ा बहुत है एंड जब बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स में और ब्रांड्स की तो उसके मुकाबले शायद इंटीरियर क्वालिटी वो जो फिनिशिंग है प्रोडक्ट की वो और अच्छी हो सकती है सेकेंड इशूज जो मैं बताऊंगा मुझे इस कार में लगता है और जो बहुत ही आ, मैं बताऊंगा मेरी तरफ से मेजर इशू है कार में एंड uh, मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं वो है इसके इंजन से रिलेटेड कई लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं और कमेंट्स में हमेशा बोलते हैं बट मैं हमेशा अपनी बात पे स्टिक रहता हूं गाइस आप मानो या ना मानो ये इशू है कार में कार थोड़ी अंडर पावर फील होती है आ, इसकी जो इनिशियल रेंज है वो सही है उसमें कोई इशू नहीं आता बट जो मिड रेंज और हाई रेंज है उसमें कार थोड़ा लैग करती है थोड़ा पावर की कमी आपको फील होती है स्पेशली मैं कई बार बता चुका हूँ ओवरटेक करते समय आपको वो फील ज़्यादा होगा बिकॉज uh, कार वो पावर जनरेट नहीं कर पाती कई बार जितना उसको चाहिए बहुत लोग मेरे से डिसग्री भी करते हैं इस बारे में और मैं पहले भी ये बात कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन नहीं चाहते आप ज़्यादा रेव नहीं करते कार को एक्सलेट नहीं करते ज़्यादा भगाते नहीं हैं तो ये कार बिल्कुल परफेक्ट है आप इसको क्रूज कीजिए एट्टी टू हंड्रेड वन टेन तक कार बहुत अच्छा चलती है आ, बट जब बात आ जाती है सडन पिकअप और एक्सेलरेशन में तो वहाँ पे कई बार हायर रेंज पे आपको इश्यूज आते हैं और कार में लैग भी देखने को मिलता है तो ये एक इशू है जो मैं हमेशा इस बात पे स्टिक रहूँगा चाहे लोग माने या ना माने ये इशू है इस कार में कि आ, आपको वो सडन पिकअप और वो सडन पावर इस कार से नहीं मिल पाता तो ये एक पॉइंट है इसके अलावा जो एक इशू मुझे और फील होता है वो होता है गेयर बॉक्स को लेके कई बार इसका गेयर बीच में स्टक करता है इतना ज़्यादा स्मूथ गेयर बॉक्स नहीं है इस कार का या टाटा के किसी भी कार का कंपेयर टू तो, अदर ब्रांड्स इतना स्मूथ गेयर बॉक्स नहीं है बट स्टिल ऐसी ज़्यादा कम्प्लेट नहीं है मुझे इस गेयर बॉक्स से बट आ, फिर भी उतना स्मूथ गेयर बॉक्स इस कार में नहीं है एक और पॉइंट जो मुझे लगता है इस कार में मुझे पर्सनली बहुत फील होता है बिकॉज मैं लॉन्ग ट्रिप ज़्यादा करता हूँ हाईवेज़ पे ज़्यादा करता हूँ तो एक आर्म रेस्ट की कमी मुझे बहुत फील होती है इस कार में यार आप नाइन लाख तक ये सिक्स लाख से स्टार्ट होके नाइन पॉइंट फाइव लाख तक जाती है एक्स शोरूम और नाइन पॉइंट फाइव लाख एक्स शोरूम देने के बाद भी टॉप मॉडल में भी आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता जो कि मुझे लगता है होना चाहिए और ये आर्म रेस्ट आज कल एक, एक, एक नेसेसरी फीचर बन गया यार आप जब भी लॉन्ग रूट पे चलते हो तो आपको इस रेस की कमी हमेशा फेल होती है एक और नेगेटिव पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं इस कार में वो है आ, इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूं आ, बेस मॉडल या फिर अपर बेस मॉडल लाइक एडवेंचर तक भी अगर मैं बोलूं तो ये सिस्टम मुझे ठीक है जस्टिफाई करता है सेवन इंच का सिस्टम बट जब बात आ जाती है इसके हायर मॉडल्स की लाइक क्रिएटिव की बात या क्रिएटिव की बात करें तो उसमें मेरे हिसाब से एक थोड़ा और अपग्रेडेड सिस्टम आना चाहिए था जैसे कि अब आ रहा है हैरियर नेक्सॉन में आपको देखने को मिल रहा है टेन इंच का सिस्टम वो इसके अपर मॉडल में या तो कंपनी को इसका फेस करके इसके अपर मॉडल में एटलीस्ट वो देना चाहिए जैसे कंपनी ने नेक्सॉन और हैरियर में चेंज किया है वैसे ही पंच में भी चेंज करने की ज़रूरत है टेन लैक आप नाइन पॉइंट फाइव लैक अभी यह कार का आपको कॉस्ट करती है टेन लैख प्लस ऑन रोड जाती है तो उस रेंज में एटलीस्ट एक टेन इंच का इन्फोरटेनमेंट सिस्टम हो नहीं चाहिए एंड गाइस uh, एक और नेगेटिव uh, पॉइंट्स जो इस कार का है वो है इसके ये जो लॉक लेवर दिए गए हैं एंड uh, ये सच में एक इशू है बिकॉज़ इसमें एक सेपरेट लॉक आना चाहिए जो कि नॉर्मली बाकी कार्स में आपको देखने को मिलता है बिकॉज़ कहीं ना कहीं एक ये सेफ्टी फीचर के लैग है आई नो uh, कि कई लोग बोलेंगे कि यार uh, आपको जब भी अगर ये बिकॉज़ ये बच्चों से रिलेटेड है कि कोई भी बच्चा इस कार को कभी भी ईजिली डोर इसका ओपन कर सकता है एंड लोग ये बोलेंगे कि आपको बच्चों को पीछे बिठाना चाहिए एंड पीछे आप चाइल्ड लॉक लगा के बच्चों को बिठा सकते हो बट यार नॉर्मली बात करूँ सच में अगर आप बताओ खुद आप बताओ तो कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे फ्रंट सीट पे होते हैं तो उस केस में अगर बच्चा ईजिली ये डोर ओपन uh, कर सकता है तो ये एक सच में एक सेफ्टी uh, को लेकर कंसर्न है एंड मेरे हिसाब से इसको uh, uh, कंपनी को इस लॉक को अपग्रेड करना चाहिए एंड यहाँ पे एक सेपरेट लॉक देना चाहिए ताकि बच्चे इजिली इस कार को ओपन ना कर सके सो so गाइज बाकी तो और इश्यूज मुझे इस कार में नहीं लगे पर्सनली मेरे को ये कार बहुत अच्छी लगती है जिस रेंज पे ये कार आती है मैंने एक साल पहले कार परचेज़ की थी ये एडवेंचर रिदम मॉडल है और मुझे 7.65 लाख का ये मुझे पड़ा था एंड अभी कार के प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो गए पचास साठ हज़ार की इसमें इस, इस वेरिएंट में इंक्रीज हो चुके हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से जिस रेंज पर मैंने ये कार ली है या जिस रेंज पे अभी भी ये मॉडल वेरिएंट आ रहा है उस हिसाब से कार काफ़ी अच्छी है कार में कार का अगर मैं इंटीरियर के लुक की बात भी करूं तो काफ़ी डिसेंट सा बहुत ही सोबर सा बहुत ही क्लासीिक लुक लगता है इंटीरियर का भी और आपको कहीं से फील नहीं होता कि इसका इंटीरियर आपको अच्छा ना लगे कहीं सी भी एंगल से बहुत अच्छा इंटीरियर लगता है इस कार का एंड जिस रेंज में आती है तो मैं तो इस इंटीरियर से बहुत हैप्पी हूँ और इस कार से भी बहुत हैप्पी हूँ तो मुझे पर्सनली इस कार से कोई इशू नहीं है बट जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं एंड ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए कहीं ना कहीं आ, उतनी मैटर नहीं करती बिकॉज ये कार मुझे बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करती है एंड मेरे लिए पर्सनली फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सेफ्टी रही है तो इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे को जो इसकी जो जो ये डिसएडवांटेजेस है मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती बट हाँ ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ये इसमें सच में, में इश्यूज हैं अगर आप मेरी बात से रिलेट करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमें बता सकते हो एंड अगर आपको लगता है कि नहीं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये कुछ इश्यूज है इसमें अदरवाइज कार बहुत अच्छी है एंड अगर कोई ये कार ऑप्ट करना चाह सकता है चाहता है तो भेजे जग ये कार ऑप्ट कर सकता है एंड स्पेशली अगर मैं इसके वैल्यू फॉर मनी वेरियंट की बात करूं तो एडवेंचर रिदम मॉडल मुझे इसका वैल्यू फॉर मनी मॉडल लगता है एंड आप उस वेरियंट की तरफ भेजे जग जा सकते हो सो गाइस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय